दोनों सुपर हीरोज को हो गया है प्यार और प्यार करने के तरीके सीखने वो गए हैं एक सुपर गर्ल के पास। प्लीज वेलकम भारतीय सुपर गर्ल एंड सिद्धार्थ एंड किकू एज सुपर हीरोज। मैं हूँ सुपरमैन ऑटो रिक्शा वाला। वो क्या अभी पावर थोड़ा कम हो गया ना तो मैं इधर लोगों को बिठाता हूँ और छोड़ता हूँ। बोरोली कांदिवली दादर नहीं नहीं ठाणे नहीं जाएगा, उधर से खाली आना पड़ता है। आप मिलना चाहते हैं मेरे वैलेंटाइन से? ए मेरे वैलेंटाइन डार्लिंग आजा। सुपू बैटू तेरे को मिलने को आ गया और मैं भी सात समंदर पार से तुमसे मिलने उड़ के आ। ये कैसा सुपर हीरो बनाया मुझे, मैं उड़ भी नहीं सकता, मेरे हाथ से कोई रस्सी धागा कुछ निकलता भी नहीं है। ये कैसा सुपर हीरो है, मुझे नहीं बनना सुपर हीरो। नहीं बैठू ऐसे रो मत, मैं हूं ना तेरे लिए। आ जा जादू की झप्पी दे दे, आ जा। दो ना। लेकिन अपनी वंडर गर्ल दीदी किधर है? हाँ वही तो, पता नहीं वंडर गर्ल दीदी कहाँ है। वंडर गर्ल दीदी, दीदी माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग दीदी, माइंड ब्लोइंग। तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि दुनिया की नजर में मैं वंडर गर्ल नहीं हूँ, मैं अर्चना पूरन सिंह हूँ, मुझे सिर्फ अर्चना पूरन सिंह बोला करो। पता नहीं वही समझ में नहीं आता ना, बाहर लोगों के सामने जब भी आपके बारे में बात करो तो सब लोग एकदम कॉमेडी कॉमेडी समझते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ और लोगों को ये सच भी नहीं लगता कि कड़ी धूप में आप घोड़े के साथ रेस लगाती है और उनको हराती है और हराने के बाद उनको चिढ़ाती है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और ये भी कि आप डबल एकर बस को यूं पकड़ के यहाँ डाल लेती हैं। अरे शेखर सुमन को ऐसे पकड़ा था, ऐसे ऐसे पकड़ा था तो उसको डिंपल आ गई। ये तो सरासर बकवास है, मैंने आज तक शेखर को कभी टच भी नहीं किया, वो तो मैं एक दिन तालियां बजा रही थी उसका मुंह मेरी ताली में आ गया। वो बता ना दीदी का दीदी वो दीदी हमने सुना है कि आपका कोई कपिल नाम के आदमी के साथ प्यार। बकवास बंद करो, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती। रातों को जागना, किसी के पीछे रोना, 8-8 की जगह 10-10 नंबर दे देना, नन्हे से एक पे स्टैंडिंग ओवेशन दे देना, किसे प्यार नहीं कहते समझे? प्यारी है रे, प्यारी है कि बोल रही, प्यारी है। ये तुम दोनों बकवास बंद करो वरना एक बगल में मुक्का दूंगी। पहले मुझे बताओ कि सुपुर है कौन से रंग का कच्चा पहना है? दीदी ये प्यार के बीच में कच्चा कहाँ से आ गया? ए कच्चा आता है, कच्चा जरूर आता है, कच्चा पहनना है हमारी परिवार की परंपरा है। बेटा कच्चा पहनना सभी के परिवार की परंपरा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ये कच्चा लाल रंग का क्यों है? अरे लाल रंग का कच्चा नहीं है, ये सफेद था, वो क्या सिंदूर की डिब्बी लाई थी उधर फैल गई तो लाल लाल हो गया। तो अब इसकी मांग कैसे भरोगे? भरूंगा ना, मेरे पास मेरे ये देखो कलर है। ओह माय गॉड, मतलब कि मैंने अच्छा सिंदूर तो कई बार देखा था लेकिन ये कच्चा सिंदूर पहली बार देखा है। चलो ठीक है, अब फटाफट इसको वरमाला पहना दो। पहनाओ। अरे बस। ओह शख्स। अरे 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 क्या कर रही हो, तुम्हारी जगह तो यहाँ है। माइंड ब्लोइंग। हटो पीछे, अभी शादी कंप्लीट नहीं हुई, तुम लोगों ने जयमाला डाली? नहीं ना, शादी अभी पूरी नहीं हुई, रुको मैं माला लेके आती हूँ। लेकिन दीदी बैठू, दीदी तो चली गई तो अब रात वाला काम करे? नहीं अरे नहीं नहीं, डांस की रिहर्सल। माइंड ब्लोइंग, ओह माय गॉड, ये तुम क्या कर रहे थे दोनों? अरे हाँ दीदी आप ऐसे अचानक कैसे आ गई? आप तो वो कॉमेडी सर्कस की शूटिंग पे जा रही थी ना? हाँ जा रही थी, मैं तुम्हें बताने आई थी कि वो टकलू निकुल गांधा मुझे फोन पे फोन कर रहा है कि आके शूटिंग करो। सॉरी मैं तुम लोगों को सुहागरात के टिप्स नहीं बता सकती लेकिन मैं तुम्हें टीवी के जरिए सुहागरात के टिप्स बताऊंगी, ठीक है? कॉमेडी सर्कस सैटरडे संडे रात 8:30 बजे, तुम्हें सुहागरात की सारी टिप्स
तुम्हें अपने कमेंट्स में बताऊंगी, लेकिन टीवी ऑन रखना, ओके? ध्यान रहे, सुहागरात बिना टिप्स के मत बनाना, ये ध्यान रखना। दीदी बैठू, दीदी तो चली गई, अब रात वाला काम करे, मतलब डांस। ए, डांस नहीं, आ जाओ। अरे पर्दा तो बात सुनो कमीनो, तुम्हें बोल रही हूँ मैं, सुहागरात के क्या टिप्स होते हैं ध्यान से सुनो जरा। 10 मिनट नहीं रुक सकते तुम लोग? इतनी क्या आग लगी है कमीनों को, मुझे नहीं पता। सुहागरात का पहला टिप कि आप इतना इतना खाकर मत आओ, थोड़ा सा खाओ, लाइफ एंजॉय करो, अगर फिर भी सुहागरात का मजा ना आए तो आपका प्रॉब्लम है। सुहागरात में जरूरी है पलंग तोड़ पान, पलंग तोड़ पान खाओ और तोड़ दो पलंग। सुहागरात का असली मजा है वो जो खट्टा मीठा मजा होता है ना, वो एक दूसरे को नोचने में, चिपका चिपकी में। सुहागरात में सबसे जरूरी है नशा, ये नहीं कि आप बीड़ी पी लोगे, तमाकू खा लोगे, नहीं, पटियाला पैक तो बनते ही है मेरी तरह। अरे अरे दीदी, अरे दीदी, अरे अरे मजा ही आ गया। सुहागरात में भूख ना मिटे तो फिर थोड़ा खा लो, और मैं भी खा लेती हूँ। अरे दीदी कितना खाएंगी जरा आप? वाह भारती, क्या किया तुमने, मैं तो दंग रह गई। तोबा तोबा, मेरे से कभी ना हो, सच्ची बोल रही हूँ मैं। और इन दोनों कुत्तों को यहाँ से निकालो बाहर। भारती आपके लिए मैं कहूंगी कि अर्चना आप तो छुपी रुस्तम निकली, ये क्या भाई, अब सुहागरात की भी टिप्स। हमारे कंटेस्टेंट्स के इस परफॉर्मेंस पर कुछ टिप्स दीजिए। टिप तो नहीं, लेकिन ये टेल एंड जो था इस एक्ट का, कमाल का था। बिना सोहेल की वेट किए मैं ये देना चाहता हूं। 10 points फॉर अर्चना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोहेल। एक कॉन्सेप्ट बढ़िया था, वेरी स्वीट एक्ट, और जो एक्ट का जो क्लाइमैक्स था, जो आची ने वहां आपको 10 दिए है। अरे फॉर माय 10 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल एज वेल। थैंक यू, थैंक यू। वैलेंटाइन पर जाने वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो आपके लिए भी एक सरप्राइज गिफ्ट, अ स्पेशल एक्ट फ्रॉम द टीम ऑफ काय पोचे। सब कोई खेल रहा है, कोई जज्बात से खेल रहा है, सही बात, कोई हालात से खेल रहा है, वाह, लेकिन मैं जो हूँ मैं खेलना सिखाता हूँ देश के लिए। वाह पक्का। देखो भाई अगर तुम्हें भाषणबाजी सीखनी है तो हम पॉलिटिशियन से सीखो, और ये देश तो भाई हम ही चला रहे हैं, क्यों? एकदम एकदम सही कह रहे हो तुम, एकदम सही कह रहे हो। पर देखो पॉलिटिक्स हो स्पोर्ट्स हो, उनको चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे कहाँ से आते हैं, हम जैसे बिजनेसमैन नहीं देते हैं पैसे। यार हम लोग क्या बेकार क्या कर रहे हैं, जोर से क्या चिल्लाए थे अभी, काय पोछे? यार स्पॉट दादा इनको बताइए, हमारे सेट की सफाई हो चुकी है, यहाँ पे कोई पोछा नहीं लगाएगा। अरे नहीं नहीं एक्चुअली वो गुजरात में जब पतंग उड़ाते हैं तो किसी को काटते हैं तो फिर काय पोछे चिल्लाते हैं ऐसी। काटते हैं तो फिर उसके बाद उसकी क्या बनाते हैं, बिरयानी या पुलाव? जो ऐसे पतंग जो आसमान में उड़ती है वो। Oh, you mean kite? Oh God, poor people. हम लोग की फिल्म का नाम भी एक्चुअली काय पोछे है, तो हम लोग प्रमोशन करने हैं, you know. तुम तीनों में से हीरोइन कौन है? नहीं नहीं, हमारी हीरोइन है। अरे मुझे फिल्म में लेते ना तो कोई नखरा नहीं करती, तुम लोग ऐसे करते मैं समझ जाती कि आज खाने पे जाना है। देखिए देखिए मैं तो कब से कह रही हूँ आप देख क्यों नहीं रहे हैं? और तुम्हें भी देखो, इन्होंने कहा देखिए मैं दिखाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं, सबको लेके जाऊंगी इनकी फिल्म देखने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जोरदार तालियां बजा दीजिए इन तीनों के लिए।